लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। कानपुर बिदुनू थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यूरी गांव के पास पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। बीते 9 नवंबर की रात को न्यू आजाद नगर पुलिस चौकी में हुई थी चोरी। चोरों ने पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज की रिवॉल्वर वर्दी समेत दस्तावेज से भरा बक्सा किया थपा। मुखबिर की सूचना पर भोर के वक्त पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल बदमाश को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस चौकी से चोरी हुई सरकारी रिवॉल्वर हुई बरामद। आला अधिकारी समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ कपूर की रिपोर्ट। देखिए 10 तारीख को थाना क्षेत्र बिदनू की न्यू आजाद नगर चौकी पे चौकी से ही पिस्टल चोरी होने की घटना जो हुई थी, उसमें हम लोगों ने कई टीमें बनाई थी। कानपुर कमिश्नरेट से इसको बहुत सीरियसली लिया था। उसी क्रम में कई लोगों से पूछताछ हुई थी, कई जगह पर सर्च भी हुए थे। एक व्यक्ति जो शेखू है और उसके साथी, उसको भी हम लोगों ने इसी प्रकार से जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो घटना उसी के द्वारा कारित की गई थी और उसने यहाँ पे रेलवे लाइन के पास में पुलिया के नीचे उस पिस्टल को छुपा के रखा था। अगर वो हम उसको लेके आएंगे तो वो उसको ढूंढने में मदद कर देगा। तो कल हम इसको लेके आए थे, अपने साथ हमारी टीम लेके आई थी रात में, तो इसके द्वारा उसी पिस्टल से जहाँ पे इसने छुपा के रखी थी नीचे पुलिया के पास में, उसी पिस्टल से इसने फायर करने की कोशिश करी। फायर हुआ और उसी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायर हुआ, जिसमें ये घायल हो गया है और इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके एक साथी और भी हमारे पास, और भी जो इसके द्वारा लोग बताए गए हैं, हम लोग उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और पूछताछ करेंगे कि किस मोटिव से और क्या वजह से इसने पूरी घटना को किया था। बाकी प्राथमिकता है कि अभी उसका इलाज चल रहा है और उसको PCR पे लें और जेल भेजें। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।